आज की वीडियो में हम बात करेंगे MI की X सीरीज टीवी की। MI की X सीरीज टीवी में क्या चीजें निकलती हैं? इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये तो अनबॉक्स है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अनबॉक्स है लेकिन फिर से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो पहले से अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है इसलिए, लेकिन आपके सामने फिर से एक बार अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। क्या चीज़ें इसमें निकलती हैं, कैसे फीचर्स हैं, कैसी लगती है टीवी आज की और मुझे कितने में पड़ी, सारी प्राइस लिस्ट आपको एक एक करके बताऊंगा। मुझे ये काफ़ी सस्ती पड़ी है, जितने का आज इसका फ्लिपकार्ट पे अभी प्राइस है उससे मुझे 8,000-7,000 रुपये सस्ती ये टीवी मुझे पड़ गई है। और अभी आप अगर लेंगे तो उसका प्राइस भी मैं बता दूंगा कितना है अभी इसका प्राइस, और साइड में अपनी प्राइस लिस्ट भी डाल दूंगा मुझे ये टीवी कितने की पड़ी है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें निकलती है, अभी ये अनबॉक्स तो पहले से है तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें एक केबल निकलती है जो पावर की काम करती है, इसमें पावर ऐड करने के लिए, तो ये एक केबल है तो इसे यहीं पे डाल देते हैं। एक रिमोट निकलता है इसमें, और जो कि मैंने इसमें सेल डाल के देख लिए थे, पहले चेक किया था ना, तो सेल इसमें डले हुए हैं तो सेल भी निकलते हैं वैसे तो, ये रिमोट भी। और ये कुछ ज़मीन के कागज और ये स्टैंड इसके निकलते हैं दोनों, तो इन्हें भी डाल देते हैं साइड में। और ऐसा कुछ फोम वगैरह वाली चीज़ें निकलती हैं, और उसके नीचे है हमारी टीवी। तो टीवी कब निकलवाते हैं प्रांस हुआ ना, ऐसी कुछ हमारी टीवी होने वाली है। इसका ये साइड में बिल्कुल स्लिम, बिल्कुल मतलब बेजल तो है ही नहीं, बिल्कुल साइड में आपके मोबाइल की तरह इसमें बेजल होते हैं, ये लग जाएगी उसके बाद में आपको दिखाऊंगा। तो इसके साथ आपको इंस्टॉलेशन की जो भी चार्ज होता है वो सारी चीज़ें तो आपको वैसे फ्री मिलती हैं, लेकिन इस टीवी में आपको एक एक करके बताता हूँ। नीचे यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन भी दिखाई देता है, यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिलता है। बेजल लेस डिज़ाइन मिलती है इसकी बिल्कुल, और इसमें डॉल्बी ऑडियो और बहुत सारे फीचर हैं, 30 वाट के स्पीकर, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं जो कि मैं आपको अभी जब टीवी दिखाऊंगा, जब लगेगी टीवी उसके बाद आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसका रिमोट, ये है इसका रिमोट, और मैंने भी ये टीवी खुद से सेटअप की, अभी तक इसके लगाने वाला नहीं है, 28 तारीख को आएगा। यहाँ पे अपने स्टैंड पे लगा ली, वैसे ये दीवार पे लगने वाली है। तो यहाँ पे अभी ये आप सबसे पहले इसका रिमोट देखिए, रिमोट में सिर्फ बहुत कम कीज़ हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक पावर का ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पे एक गूगल असिस्टेंट का, ये यहाँ पे मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन इन चीज़ों का बटन है, और बीच में एक ओके का बटन है। यहाँ पे आपको बैक जाने का बटन है, यहाँ पे आप फंक्शंस खोल सकते हैं, और यहाँ पे होम पे जाने का है, यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ऐप्स, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ऐप से आप क्या ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ओपन करिए तो यहाँ पे ऐप्स से क्या होता है ध्यान दिखाता हूँ आपको। जब आप ऐप्स को टच करेंगे तो यहाँ पे सारे ऐप्स जितने भी इसमें ऐप्स हैं वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी, यहाँ पे जो भी आपको खोलना है। तो यहाँ से इस बटन से बैक हो जाती हैं सारी चीज़ें, ये बैक होंगी। यहाँ का सबसे बेस्ट इंटरफेस होता है यहाँ का पैच वॉल इंटरफेस यहाँ का सबसे बेस्ट, जो सिर्फ आपको MI टीवी सामी टीवी सी देती हैं पैच वॉल। ये सारी अभी और भी जो भी कंपनियाँ हैं ये सारी कॉपी करती हैं इसको, और पैच वॉल का जो इंटरफेस होता है ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपको सबसे ईजी टू मेंटेन वाला आपको एक इंटरफेस मिलता है, यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट वे से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ अप डाउन करके सारी चीज़ें आपकी मेंटेन हो जाएंगी, आप यहाँ पे कुछ भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो डिज्नी प्लस हॉटस्टार यूट्यूब गूगल प्ले स्टोर मोर ऐप्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते। आप यहाँ से भी कोई भी बटन, जैसे नेटफ्लिक्स का मैं यहाँ पे बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नेटफ्लिक्स ओपन हो जाएगा, देखना थोड़ी देर में नेटफ्लिक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, देखो नेटफ्लिक्स ओपन हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दबाता हूँ प्राइम वीडियो का तो प्राइम वीडियो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है पैच वॉल के यहाँ पे काम करने का, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना आप रिमोट से तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे पैच वॉल का ये प्राइम वीडियो खुल गया, यहाँ पे मैंने इसे साइनअप वगैरह भी किया हुआ नहीं है, मैं अपना कर लूँगा बाद में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 4K वीडियोस चलाने के, कैसी 4K वीडियोस यहाँ पे चलती हैं। तो यहाँ पे आप गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन भी मतलब कर सकते हैं, देख मैं यहाँ 4K वीडियोस ऑन यूट्यूब, मैंने यहाँ पे ये बोल दिया, अभी आराम से ओपन हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे 4K वीडियोस आ गई, तो यहाँ पे आप इसे 4K वीडियोस भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए इसकी जो क्लियरिटी, आपको ये लगा ये रियलिटी में यहाँ पे इतनी बड़ी है, वो 43 इंच अगर बहुत लोगों को लगती है छोटी है, बहुत बड़ी टीवी होती है। यहाँ पे इसका साइज इसमें जस्टिफाई नहीं हो पा रहा, लेकिन ये काफ़ी बड़ी टीवी है, मेरा रूम काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, और इसकी मतलब साइज इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा, 43 इंच काफ़ी बड़ी होती है। इसके एजेस आप देखिए बिल्कुल ही भी एजेस में कुछ भी नहीं, साइड में बिल्कुल भी ब्लैजिंग नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ग्लास पूरा है, लेकिन ये साइड पे थोड़ी सी मोबाइल की तरह ब्लैजिंग है, यहाँ पे थोड़ी सी बस
क्लैडिंग है थोड़ी मोटी सी, लेकिन ज़्यादा नहीं है। और टीवीओ की तरफ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी टीवीओ में दो दो इंच की होती है, एक एक इंच की होती है मोटी। यहाँ पे एकदम स्लिम आपको एकदम बहुत अच्छी टीवी मिलती है, जिसमें आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, HDMI सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पे अपना लीड वगैरह कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, अपना वायरलेस ईयरफोन हेडफोन कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई से आपका डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, अगर आप उसका केबल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाए। यहाँ पे सारे पोर्ट्स आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आपको अपनी 4K वीडियोस देखिए, यहाँ पे इतनी क्लियर चलती हैं, इसका वॉल्यूम इतना हाई है। आप अभी मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे NCS के साउंड मैंने अभी ये नॉन कॉपीराइट वाले ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको इसकी वॉल्यूम को सुनाता हूँ, वॉल्यूम यहाँ का कितना हाई है। यहाँ पे ये ओपन हो गया, अब मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको अभी वॉल्यूम बिल्कुल जीरो, अब इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। अभी इसका 25 वॉल्यूम है, इसका आप साउंड देखिए और बढ़ाता हूँ मैं इसे। जब इसका आप 100% वॉल्यूम करते हैं, जब इसका आप 100% वॉल्यूम कर देते हैं, तो अभी आपने देखा इतनी तेज इसका साउंड है। इसके 30 वॉट के स्पीकर काफी अच्छे हैं, आपको इसमें कोई भी अलग से स्पीकर वगैरह लगाने कोई जरूरत नहीं है। आपको स्पीकर इतने हाई मिलते हैं, आप इसकी फुल वॉल्यूम पर साउंड कभी सुन ही नहीं पाएंगे। आप कमरे में बैठिए, फुल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, आप इसका 10 से 15 पे मैक्सिमम इसका साउंड सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर HD साउंड क्वालिटी इसकी, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी भी है। और अभी आप देखिए कितनी, मतलब अगर आप इसे नॉर्मल 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे ही कुछ भी कर लेते हैं, अभी भी काफ़ी तेज़ इसकी आवाज़ है। इसमें जस्टिफाई हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे अभी भी काफ़ी तेज़ आवाज़ है। यहाँ पे दोनों तरफ 15 वाट के दो स्पीकर हैं, 30 वाट टोटल है, तो जो भी है। और मैं इसमें और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे वाईफाई वगैरह वाली चीज़ें सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आपको पैच बॉल का ही मिलता है। यहाँ पे आप देखिए होम पे हूँ मैं अभी, तो ऐसे साइड से जाऊँगा यहाँ पे मूवी शो म्यूजिक लाइव स्पोर्ट्स किड्स, यहाँ पे ये सर्च वाला और यहाँ पे किड्स और ये वाईफाई, यहाँ से वाईफाई। जब आप इसे टीवी को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वाईफाई वगैरह का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप वहाँ पर नहीं करते हैं और बाद में करते हैं जस्ट चेंज करना है आपको, या वाईफाई दूसरा कोई कनेक्ट करना है आपका नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे ये वाईफाई का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे आके इसे ओके पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ओपन हो जाए। जैसे मेरा ये एयरटेल 222 5G, ये मेरा वाईफाई है इसका एयरटेल का, तो ये अभी मेरे कनेक्ट है। और मेरा एक और वाईफाई ये एयरटेल 222 ये वाला है, तो यहाँ पे ये मेरे दो वाईफाई है और ये दोनों इसमें अभी कनेक्ट हैं, लेकिन मैंने अभी 5G वाला कर रखा है, इसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप इसमें सारे वाईफाई के जो भी ऑप्शन होते हैं इसे कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इसे केबल से वगैरह तो कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे केबल का भी ऑप्शन होता है, सारी चीज़ों करने का ऑप्शन होता भी है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीन साइज काफ़ी अच्छा है, नीचे जब आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक लाइट भी जलती है, और इसे ऑन करने का बटन भी यहाँ पे नीचे होता है। अगर आप इसे डायरेक्ट यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको इसे ऑफ करके दिखाता हूँ, तो इसे आप यहाँ से डायरेक्ट ऑफ भी कर सकते हैं, तो नीचे देखिए एक लाइट जलेगी, और यहाँ से आप इसे डायरेक्ट ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो गई, अभी आपने यहाँ से बंद किया डायरेक्ट ओपन की, तो यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो गई। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपको यहाँ कहीं जाके शट डाउन करनी, और अगर आप फिर भी चाहते हैं आपको शट डाउन करनी है, तो आप यहाँ से, मैं अभी आपको एक ऑप्शन दिखा दूँ, यहाँ पे आप थोड़ी देर से क्लिक करके रखिए, थोड़ी देर आप अगर आप इसे क्लिक करके रखेंगे ऑफ बटन को, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ स्लीप मोड रिस्टार्ट पावर ऑफ ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो मुझे अभी कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ से कोई सा भी ऑप्शन चूज करके वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी चीज़ आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे जो भी आपको शोज मिलते हैं, आपको जैसे यहाँ पे कोई भी आपको जैसे वूट डाउनलोड करते हैं, आप इसमें कोई भी शो डाउनलोड करते हैं, कोई भी चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें जो भी फ्री होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और जिसके भी पैसे लगते होंगे उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे आप नेटफ्लिक्स डिजनी प्राइम वीडियो डिजनी प्लस हॉटस्टार इस सब चीज़ के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे इसको, तो ये तो पेड ही वर्जन होते हैं, लेकिन जिसमें भी कुछ भी फ्री होता है वो आप डाउनलोड इसमें कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक कुछ भी चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप जैसे यहाँ पे जाइए मोर ऐप्स पे जाइए यहाँ से, और यहाँ से मोर ऐप्स पे देखिए, मैंने यहाँ पे अभी वूट G5 और इसमें सोनी लिव ये चीज़ तीन चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी ये डाउनलोड नहीं है, ये सिर्फ ओपन है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ये सारी चीज़ें अभी डाउनलोड नहीं की करके रखी हैं, यानी मुझे ज़रूरत नहीं, जो मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मैं डाउनलोड तुरंत कर लेता हूँ, स्पीड तो इंटरनेट की है ही बहुत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ इसमें से आप कोई भी चीज़ डाउनलोड, इसमें जो भी फ्री होगा वो आप फ्री देख सकते हैं, और जो पैसे से होगा वो आप पैसे से देख ही सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था मेरा टीवी का रिव्यू, टीवी आपको कैसी लगी? आप अगर और ऐसी टीवी मंगाना चाहते हैं, अगर 30,000 के अंदर आपका बजट है, तो अब इसकी प्राइस लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे ये टीवी पड़ी है 21,547 रुपए की, जिसे मैं इंस्टॉलेशन था 22,000 या 23,000 के आसपास मेरा पूरा खर्चा बैठ जाएगा इस टीवी को, जो कि अभी काफ़ी अफोर्डेबल पाया 43 इंच टीवी, लेकिन ये आपको इतने की शायद ना मिले, क्योंकि ये अब मुझे भी नहीं मिली। अब इसका प्राइस है 29,000 ऑन फ्लिपकार्ट, मैंने अभी फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, तो मेरा ये रहा मेरा बिल, और ये रहा मेरा फ्लिपकार्ट का उसका बिल, जो कि
अभी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा नीचे, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं अपना क्या प्राइस है आपके में बढ़ता है घटता है। तो मुझे काफ़ी ऑफर्स वगैरह मिल गए थे, क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऑफर्स वगैरह सारी चीज़ें मिल गई, इसलिए मुझे काफ़ी सस्ती रीजनेबल प्राइस में पड़ गई, तो इसलिए मैंने ये खरीद भी ली। हमारे घर पे ये चीज़ आ गई बहुत सस्ते प्राइस में, लेकिन आप भी खरीदने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड वगैरह के ऑफर चलते रहते हैं, 10% ऑफ मिल जाता है, तो आपको 2500-3000 रुपये तो कम हो जाएंगे। और मैंने इसकी EMI इंस्टॉलमेंट करवाई जो कि नो कॉस्ट EMI, जिसपे भी कोई भी मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट मुझे नहीं करनी, एक्स्ट्रा पे कुछ भी नहीं करना। अब मेरी जितने की टीवी है तो उतने ही रुपए मुझे पे करने हैं सिर्फ इजी इंस्टॉलमेंट्स में, तो 6 मंथ की मैंने इंस्टॉलमेंट्स भी करवा ली है, तो यहाँ से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑनलाइन मंगाई और इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी 1 साल की गारंटी वारंटी स्क्रीन की सारी चीज़ें आती हैं इसमें, एक एक करके सारी चीज़ें आपको फ्री इंस्टॉलेशन मिलती है, जिसका चार्ज वैसे 1000 रुपीज़ होता है, यहाँ पर फ्री है, 100% ऑफ चलता है उस पर, ये आपको फ्री में इंस्टॉल करके देंगे। आपको सिर्फ इसके साथ जो भी मिलता है डिब्बे में, सिर्फ ये 2 स्टैंड मिलते हैं जो कि यहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ के लिए आपको स्टैंड वॉल माउंट कराना है इसे, तो आपको 500 रुपये अलग से खर्च करने होंगे। 500 रुपये का स्टैंड वो लोग लाते हैं, उसे आप लगवाइए तो आपका वॉल माउंट होगा। वैसे तो आप ऐसे इसे कस के रख सकते हैं और इसमें कुछ नहीं है, वो लोग आते हैं आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, वो वैसे इसमें कोई भी हार्ड नहीं है। जैसे आप ओपन करते जाएंगे आपको एक एक करके मोबाइल की तरह सारी चीज़ें समझ में आते हैं, सेम मोबाइल की तरह ही चलती है, इसमें भी कोई अलग चीज़ नहीं है, एंड्रॉयड टीवी है, तो आपको मोबाइल की तरह इसमें अपनी ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। यहाँ पर आप साइनअप वगैरह अपनी ईमेल आईडी से कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं। और आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैंने आपको प्राइस बताया, मुझे काफ़ी सस्ती एक टीवी मिली है, आपको भी ऐसी और सस्ती मिल सकती है अगर आप देखते रहें तो, अपना बेस्ट ऑफर देखते रहेंगे। तो मुझे भी पहले नहीं मिली थी लेकिन मिल गई बाद में, इतनी सस्ती है, वैसे 29,000 की थी पर मुझे अभी काफ़ी सस्ती मिल गई। तो जो भी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।